दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू अपना जन्मदिन 9 अगस्त को मनाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। उन्होंने तेलुगु सिनेमा की कई शानदार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता है। महेश बाबू फिल्मों के अलावा अपनी पत्नी और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा नम्रता शिरोडकर की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। इन दोनों की शादी को 15 साल हो चुके हैं। नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। महेश बाबू के जन्मदिन के मौके पर हम आपको इन दोनों कलाकार की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। नम्रता पति महेश बाबू से 4 साल बड़ी है, लेकिन दोनों के बीच कभी भी उम्र की सीमा नहीं आई। नम्रता शिरोडकर हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेत्रा रही है। उन्होंने सलमान के साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। नम्रता ने साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया खिताब जीता था। नम्रता और महेश बाबू की पहली मुलाकात तेलुगु फिल्म वामसी की शूटिंग के दौरान हुई थी। यह फिल्म साल 2000 में आई थी। पहली मुलाकात के बाद से ही नम्रता और महेश के काफ़ी अच्छे संबंध बन गए थे और फिल्म की शूटिंग खत्म होने तक ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। वामसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को भले एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को कभी भी मीडिया के सामने नहीं कबूला। यहाँ तक कि महेश ने नम्रता के साथ अपने रिश्ते के बारे में परिवार को भी नहीं बताया था। महेश बाबू ने अपने और नम्रता के रिश्ते के बारे में सबसे पहले अपनी बहन को बताया। महेश और नम्रता ने करीब 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। इसके बाद यह दोनों 10 फरवरी साल 2005 में शादी के बंधन में बंध गए थे। अपनी शादी में पहले ही नम्रता शिरोडकर ने तय कर लिया था कि वह फिल्मी दुनिया को छोड़ देगी, इसलिए उन्होंने शादी से पहले अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म कर लिए थे। शादी के 1 साल बाद ही नम्रता ने बेटे गौतम को जन्म दिया। शादी के 3 साल बाद ऐसी खबरें सुनने को मिली थी कि नम्रता और महेश का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, लेकिन इन दोनों ने कभी इस बारे में कोई खुलकर बात नहीं की। इसके बाद नम्रता ने साल 2012 में बेटी सितारा को जन्म दिया। नम्रता और महेश अब अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं।